नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी विद्यांचल के परिसर में तकरीबन 5 साल के बालक को आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने घेराबंदी कर हमला बोल दिया और बच्चे को नोच डाला। यह वारदात उस समय की है जब पार्क के समीप बच्चा खेल रहा था। मैं आपको बता दें कि बीते 3 दिनों के दौरान यह दूसरी घटना है, इसके बावजूद भी जिम्मेदार मौन है। बच्चे को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं आपको बता दें कि एनटीपीसी परियोजना विद्यांचल NS2 के पार्क में 5 वर्षीय मासूम बच्चा पिंटू अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने पिंटू पर हमला बोलते हुए कई जगह शरीर के अंगों को नोच डाला है। आसपास के लोग जब तक पिंटू को बचा पाते तब तक कुत्तों के काटने से पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पिंटू को एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन के भीतर कुत्तों ने दूसरी बार घटना को अंजाम दिया है। विद्यांचल इंटक के पदाधिकारियों ने कलेक्टर एवं निगमायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं परिजनों द्वारा बच्चे को उपचार के लिए सिंगरौली ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से में कुत्तों ने बुरी तरह से हमला कर घाव कर दिया है। घटना के बाद भी जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं और ये आवारा कुत्ते अभी भी उसी कॉलोनी में झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जिससे लोगों ने अपने घरों का दरवाजा बंद कर घर के अंदर कैद हो गए हैं।